नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। बेमेतरा जिले के बेरला नगर पंचायत में सीएमओ के खिलाफ लामबंद हुए प्लेसमेंट के कर्मचारी विवादों के घेरे में रहा और सीएमओ वनीश दुबे एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार को सौंपे आवेदन में बताया गया कि सभी प्लेसमेंट कर्मचारी बेरला की नगर पंचायत में कार्यरत है और आए दिन सीएमओ बेरला द्वारा हमें परेशान किया जाता है, धमकी दी जाती है वेतन काटने और वेतन नहीं निकालने की, और कभी भी किसी को निकाल दिया जाता है, कभी भी हमें छुट्टी नहीं दिया जाता और दोनों टाइम में काम कराया जाता है जिससे हम अपने परिवार को भी समय नहीं दे सकते। कल हम सभी कर्मचारी सुबह अपना काम करके किसी कारणवश बाहर चले गए और जिसके लिए हमारे द्वारा आवेदन भी प्रस्तुत किया गया, परंतु ये बोलकर आवेदन स्वीकार नहीं किया गया कि कोई छुट्टी नहीं मिलेगा करके, और जब हम सभी सुबह काम पर आए तो किसी भी को काम पर नहीं रखा और हमारी जानकारी दिया गया, तब हम सभी सीएमओ साहब के घर गए निवेदन करने की हम सभी को काम से क्यों हटाया हो करके, पर सीएमओ साहब द्वारा ये बुलवा दिया गया कि सोए हैं कोई बात नहीं होगी, ऐसा ही जब से आए हैं तब से जब चाहे तब किसी भी लेबर को हटा दिया जाता है, हम सभी लेबर बहुत परेशान हैं, किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलता, आवेदन देने के बाद भी जब काम में आते हैं तो हटा दिया जाता है, वेतन की भी धमकी देकर वेतन नहीं डाला जाता, ऐसे ही कई कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखा हुआ है, आए दिन कर्मचारियों के ऊपर दबाव डालने की धमकी दिया जाता है जिससे हम सभी बहुत ज्यादा विचलित थे, और अब जब तक कर्मचारियों के वापस काम पर नहीं रखा जाता तब तक नगर के समस्त सुविधाओं का हमारे तरफ से बंद रहेगा, और अगर हमारी जगह पर किसी नए की नियुक्ति की जाती है तो हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन एवं आमरण अनशन किया जाएगा। बेमेतरा से संजू जैन की रिपोर्ट। साप्ताहिक अवकाश तो दिया ही नहीं जाता यहाँ, और किसी कारण से घूमने के लिए लड़के लोग कल हाफ टाइम का काम करके दो घंटे का काम शाम का बचा था उसको छोड़ के कल कहीं घूमने गए, तो उनको बोला कि उनको सबको काम से निकाल दो और निकाल दिया गया। आज काम पे किसी सफाई कर्मचारी को नहीं रखा, ये सीएमओ साहब का मौखिक आदेश था, इनका नाम है श्री वनीश दुबे। कल से सीएमओ साहब के द्वारा काम से निकाल दिया गया, उसी के संबंध में ज्ञापन देने यहाँ एक टाइम पर जी, कल आज कहीं निराकरण नहीं होता है तो पूरा यहाँ नगर का पानी बिजली सब प्रभावित हो जाएगा। कैमरा साहब, पंचायत नेता प्रतिपक्ष हूँ, क्योंकि आज सुबह की बात है, इसमें पूरे प्लेसमेंट कर्मचारी आज घर में आए थे और बोले कि हमको काम से निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि शाम को हम लोग पूरे प्रतिनिधि के सहयोग से कहीं घूमने के मन बनाया था, 365 दिन में क्या हुआ, एक दिन उनको छुट्टी नहीं मिल सकता, एक दिन का छुट्टी भी नहीं लिए है, मात्र लिए हैं हाफ दिन का, और सुबह काम पे आ गया। सुबह काम में आने के बाद उसको बोले काम में जाए तो बोल दिया गया कर्मचारियों के काम तो आपको नहीं रखेंगे, ऐसे ऐसे आतंक कर रहे हैं सीमा साहब, और हर प्रकार के चाहे नगर में बिजली पानी की समस्या हो तो मुझको पूछा जाए, अब बताइए प्रतिनिधि क्या करे, बिजली पानी नाली गली प्रतिनिधि देखेंगे तो क्या कौन देखेंगे, और इसी कर्मचारी के बदौलत वो दिल्ली स्वच्छता का समझो या समझो कि रायपुर में अवार्ड ले रहे हैं, किसके बदौलत, इसी कर्मचारी का, और इसी को निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे उनका आतंक चल रहा है सीमा साहब का। वनीश दुबे बिरला के प्लेसमेंट कर्मचारी, सारे कर्मचारी आज यहाँ पर एसडीएम ऑफिस में आकर के अपना ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। इनकी मुख्य समस्या यह है कि इन्होंने इनके द्वारा जो लिखित में आवेदन जो पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें यह बताया गया है कि ये काम में अगर एक दिन छुट्टी लेते हैं तो सीएमओ साहब के द्वारा छुट्टी देने से मना किया जाता है, और जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि सीएमओ साहब ने कल से काम में आने के लिए मना किया गया है, तो इसी के विरोध के फलस्वरूप ये अपना आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय के नाम में एसडीएम मैडम के पास प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि मैं जाऊँ ऐसे कुछ कर्मचारी हैं जो बिजली लाइन भी चालू करते हैं, आज इन लोगों को काम है कहीं जगह पानी का भीतर जगह पानी भी नहीं मिलेगा नगर वापिस। इस समस्या से सीएमओ साहब से अभी बात करके समस्या का जाकर तत्काल कर लिया जाएगा। जैसे कि सबको मालूम है कि बिरला नगर पंचायत इन्हीं प्लेसमेंट के कर्मचारियों के दम में ही आज दिल्ली में अवार्ड या बेमेतरा में जिले में सबसे टॉप में आने की वजह सिर्फ प्लेसमेंट कर्मचारी है।
आज इन कर्मचारियों को कोई भी प्रकार की सुविधा यहाँ नहीं मिल रहा है, ना ही इनको जो जूते मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो दस्ताना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है इन लोगों को। ये मतलब दबाव सीएमओ के द्वारा बनाया जाता है कि जैसे इनको अगर मान लो मेडिकल कराना है तो मैं बेरला के बीएमओ का मेडिकल करने के नहीं मानूंगा, जिला से आप मेडिकल लेके आओ। एक चीज बताइए, कहीं पर भी प्लेसमेंट कर्मचारियों का अगर मेडिकल कराया जाता है तो लोकल जो डॉक्टर रहते हैं गवर्नमेंट के MBBS वही लोग उनको मेडिकल करके दिया जाता है, उन्हीं को सबमिट किया जाता है, लेकिन ये सीएमओ उनको मानने को तैयार नहीं। आए दिन इन लोगों को परेशान किया जाता है, आपके वेतन काट दूंगा। एक ही जो कर्मचारी है बीच में अपने सामाजिक काम के लिए एक दिन की छुट्टी के लिए लेके गया हुआ था, दूसरे दिन आया तब से उसको कुछ ना कुछ कारण करके हमेशा के लिए निकाल दिया गया। ऐसे ही आज इन लोगों को भी पूरा सबको कल घूमने के लिए गए थे, हाफ टाइम में छुट्टी के लिए आवेदन उनके पास प्रस्तुत किए, परंतु उन्होंने छुट्टी नहीं देने से इनकार कर दिया। और आज जब इन लोग आए तो ये बोल के कि किसी कर्मचारी को काम करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को जरूरत नहीं है करके एक साथ निकाल दिया गया। अगर मान लो समस्या का हल नहीं होता है तो बिल्कुल हम सभी जनप्रतिनिधि हमारे नगर के साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए है ना इनसे भी निवेदन करेंगे, दूसरा क्या है इनके साथ में खड़े रहेंगे। और जब तक कि इनका कहना है कि अगर हमारी समस्या का अगर हल नहीं होता है तो नगर में किसी भी प्रकार का नल बिजली पानी की व्यवस्था नहीं किया जाएगा, उस पोजीशन में हम आमरण अनशन और धरने में सीएमओ के खिलाफ बैठेंगे।